Antibodies are globular protein. They are actually produced by the plasma cells of B lymphocytes, and they are also known as immunoglobulin. What we have got in their structure, we have got two long chains and two short chains. And this is a structure right in front of you, which I have mentioned kiya hua hai ki aapke paas jo inki aapas mein jo structures jude hue hote hain, they are holding each other, they are bonded together by the help of disulfide bond. यहाँ पर आपके पास ये जो मैं मार्किंग बना रहा हूँ, these are all disulfide bond. Each chain is attached with, each of the chain is attached with the other by disulfide bond. Now, when you are talking about disulfide bond, तो disulfide bond जो है ना वो basically आपके पास light polypeptide chain को heavy polypeptide chain से attach करवा रहे हैं. On each side of the heavy polypeptide chain हमारे पास इसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है शुगर का. लाइक मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज अटैच ऑन ईच साइड. ओके, यहां पर आपके पास एक रीजन ऐसा बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल रीजन है. The actual antigen binding site, that is actually made up of the variable region, जो कि दोनों साइड पे अलग अलग होता है, और फिर उनके दरमियान में एक हिंज रीजन बनता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है एंटीजन की अटैचमेंट को, जो जिसका दूसरा जो ये जो वेरिएबल रीजन है ये एक्सटेंशन है लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन की. और दूसरी तरफ जो आपके पास है, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में ग्रीन से बनाया हुआ, और इस ग्रीन के ऊपर मैं सिर्फ इस रीजन को डिमार्केट करने के लिए ये लाइंस बना देता हूँ, ताकि आप जो है ना वो दोनों तरफ के इन रीजन्स को इस चीज़ से याद रख पाएं कि यार यहाँ पे अटैचमेंट होनी है. सही है, तो इन साइट्स को, इस पर्टिकुलर साइट को एंटीजन बाइंडिंग साइट कहेंगे. दी साइट्स आर कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट. ओके, अच्छा जी, नाउ वन मोर थिंग, दैट ये जो आपके पास पर्टिकुलर इसका वेरिएबल पार्ट है वो ये है. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रीजन. ठीक है, और यहाँ पर चेन्स को भी अगर मार्क करो तो ये आपके पास हैवी चेन है, हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये आपके पास लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है. ठीक है जी, एंटी बॉडीज का असल काम एक्चुअली परफॉर्म कैसे हो रहा है ये हमारे लिए जान लेना सबसे इस सारे कामों से ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज दे विल बी आस्किंग क्वेश्चन अबाउट दैट हाउ एंटीजन इज प्रोटेक्टिंग योर बॉडी, हाउ दे आर फंक्शनिंग. पहले first attempt is simply binds the pathogen. They simply binds the pathogen. इसके लिए क्या हो रहा है अभी कहानी जरा समझना बेटा. लेट सपोज कि मैं आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से बना के दिखा देता हूँ एक एंटीजन, और सिंप्लीफाई करके बना के दिखा रहा हूँ. ये एक एंटीजन है, और नहीं सॉरी, ये तो एंटीबॉडी हो गया ना, ये एक आपके पास एंटीबॉडी है और ये इसके साथ अटैच होने वाला एंटीजन है. तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज कि एक तरफ से पकड़ा और इसी तरह से मूव किया इसको फर्दर, और इसको बाइंड कर दिया दोनों साइड से समवॉट लाइक दिस.
ठीक है। यू कैन सिंपली से द एंटीबॉडीज बाइंड्स डायरेक्टली to the pathogen, and you and we all know that when the antigen will be binding to the pathogen directly, the pathogen will not be able to move, and it will not be able to you can say that they will not be able to reproduce. So yeah, they can also bind with the toxic material released from the pathogen. They also bind the toxins released from the pathogen. अभी काम करते हैं ना, हम एक मिसाल ले लेते हैं कि ये एक बैक्टीरियल सेल था। एक बैक्टीरियल सेल कैसा होगा? एक बैक्टीरियल सेल आपके पास कुछ ऐसा होगा, ये इस बैक्टीरियल सेल के पास से रिलीज हुआ, ये इसने इससे इसको अटैच किया अपने पास, एंड फॉर द फर्दर प्रोटेक्शन इसको कवर भी कर लिया टॉक्सिन मटेरियल को। सही है, दिस वाज अ बैक्टीरिया जहाँ से ये टॉक्सिन मटेरियल रिलीज हुआ था। अगर लेट सपोज कि आपके पास ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है और ये सिंपली जब वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को बाइंड करना चाह रहा है तो कैसे करेगा? एक तो तरीकेकार ये हो गया कि उसके टॉक्सिक मटेरियल को बाइंड कर लिया। इसमें दूसरा तरीकेकार क्या होगा कि ये बाइंड कर जाएंगे एक दूसरे से और साथ में अटैच कर लेंगे, मतलब ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच कर देगा। एंड व्हाई, लाइक व्हाई दे आर डूइंग सो, ताकि वो मूव ना कर सके बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकेगा तो ऑब्वियसली बात है कि बैक्टीरिया मूव नहीं कर सकेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। ठीक है, देन दे आल्सो दे एक्चुअली दे आल्सो स्टॉप द पैथोजेनिक मूवमेंट, स्पेशली मैं बैक्टीरिया को इसमें इन्वॉल्व करूंगा, पैथोजेनिक मूवमेंट बाय इंडल्जिंग into their flagella. You know, when the flagella is entangled, a bacteria won't be able to move. तो अब ये कैसे करेंगे उसको एंटेंगल, जरा गौर से देखो। सब सारे flagella को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। Like this. अब वो क्या है, वो बेचारा मूव नहीं कर पाएगा। हमें बात समझ रहे हैं, फ्लैजेलरी मूवमेंट खत्म हो गई। ना सिर्फ ये होता है बल्कि इसके अलावा जितने भी आपके पास जितने भी पैथोजेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, अगर वो सेलुलर एंटिटीज हैं, इफ दे आर एक्चुअली सेलुलर एंटिटीज, तो ये क्या करेंगे, ये उसको फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। नंबर टू, व्हेन दे आर अटैकिंग, मैंने आपको लिखा है कि जैसे उसको टैंगल कर रहा है, और दूसरी चीज ये कि व्हेन दे आर अटैकिंग, दे अटैक ऑन द पैथोजन। पैथोजन के ऊपर अटैक करना मतलब क्या हो गया इस बात का, भाई जरा गौर से देखिएगा कि ये एक पैथोजन था, ये आपके पास कुछ एंटीबॉडीज जब वो रिलीज हुई, एंड दे स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स इट, ठीक है, लाइक दिस, और वो आके अटैक करेंगी इसकी सेल मेम्ब्रेन पे, दे डैमेज देयर
सेल मेम्ब्रेन, और थोड़ी देर के बाद इस बैक्टीरिया की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये हो जाएगा सॉर्ट ऑफ पंचर फ्रॉम अ साइट एंड इट विल स्टार्ट रिलीजिंग इट्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। ठीक है जी, तो दैट में ऑल्सो कॉज सेल डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड मेंशन कि ये एंटीबॉडी रिसेप्टर्स भी होते हैं फेगोसाइट्स की मेम्ब्रेन पे, और वो बनके भी जने इससे अटैचमेंट करवा रहे होते हैं, उसके साथ अटैचमेंट करवा रहे होते हैं इसकी। अब एक फेगोसाइट है, तुम्हें पता है फेगोसाइट इन्हें खा जाता है, सही है। अब एक फेगोसाइट है, फेगोसाइट को भी हम लोग इसी तरह से ही बना लेते हैं जिसने कि एक फैसेट या एक ग्रूव ओपन किया हुआ है इनको वेलकम करने के लिए। ठीक है, तो ये फेगोसाइट का एक जगह, एक स्टार्ट पॉइंट, एक एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म के लिए जगह बना हुआ था, सही है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया को पकड़ के लाया, पकड़ के कौन ला रहे, पकड़ के यही लेकर आ रहे हैं, ये पकड़ के लाएगा और ये इसको अटैच भी करवाएगा, और नीचे इसका अपना रिसेप्टर लगा हुआ होगा फेगोसाइट का। तो दे ऑल्सो हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस, दे हेल्प फेगोसाइट्स बाय कैप्चरिंग पैथोजन फॉर देम। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट द एंटीबॉडीज राइट नाउ, एंड होपफुली यहाँ तक की सारी बातें सब समझ में आ गई होंगी। I'm sorry, I'm really sorry, मैं इसे आगे कंटिन्यू करता, but I need to keep the session till here. And inshallah ke I will continue this particular thing in the next class, the particular topic of immunity. Okay guys? अगर यहाँ तक के हवाले से if you guys are having any question, you may ask those questions.